बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी है, और इस पर एक लाइन एल खींच रहा हूँ मैं, पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेंगे डी और ई पर, तो क्या होगा उसे आपको देखना होता है। देखो, जब भी बीपीटी थ्योरम की बात आ जाए ना, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल है कि इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू द, जैसे लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन का, लिखोगे आप कि इफ 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 अ लाइन इज पैरेलल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट, जहाँ पे इंटर साइड एक ट्रायंगल की एक साइड की पैरेलल लाइन है एंड इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, इंटर एंड इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स एट टू डिस्टिंग पॉइंट, एट टू डिस्टिंग पॉइंट, मतलब डिफरेंट पॉइंट बोल सकते हैं, डिस्टिंग बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टिंग एट टू डिस्टिंग पॉइंट कौन सा है, डी एंड ई पे कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या बोलोगे, यही लाइन जो लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, तो द लाइन डिवाइड कर देगा इसे, द लाइन जो है उसे डिवाइड करेगा, डिवाइड्स द साइड इन द सेम रेशियो, इन द सेम प्रपोर्शनल, बोलना क्या बोलना है, प्रपोर इन द सेम प्रपोर्शनल में से डिवाइड करती है। मतलब क्या है, इफ एक को भी ट्रेंगल में कोई सी साइड के एक इक्वल लाइन आपने ड्रॉ करा, ओके डी हमने ड्रॉ कर दिया है, तो क्या करती है वो लाइन पैरेलल होती है इसके, और दो जो साइड बचे हैं ना उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे डी एंड ई पे इंटरसेक्ट करती है, तो वह लाइन इंटरसेक्ट करी क्या, ये इन रिमेनिंग साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर देती है, क्या करती है, सेम सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, ये इसका क्या है डेफिनेशन है। तो अभी आप क्या लिखोगे, गिवेन, आपको गिवेन क्या कहता है उसमें, आपको गिवेन इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई, जो यहाँ पे डी ई है ये पैरेलल हो रही है इसके बी सी के, और फिर आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि यहाँ पे ए डी बटे डी बी ये हमेशा इक्वल रहेगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ द लाइन डी सी एंड बी ई, हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया ताकि एक ट्रेंगल फॉर्म हो पाए, ठीक है, से फॉर्म कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रूफ करना है, तो पी आर डबल है प्रूफ, प्रूफ कैसे कर, देखो एक ऐसा तीन लाइन ड्रॉ करना है, एक दो और एक तीन, फिर ऐसे लाइन करके यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे नंबरिंग करोगे, यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट, क्या करेगा स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रीजन, क्यों ऐसा लिख रहा है, ठीक है रीजन, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो मेरा आएगा, देखो बीपीडी थ्योरम्स है, इसे मैं किससे सॉल्व करूँगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रैंगल से, ठीक है। चलो एक एरिया लेते हैं, चलो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई का, ओके डिवाइड बाय दूसरा ट्रैंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रैंगल बी डी ई का, तो बी डी ई का तो क्या जगह था, जरा इनकी देखो हाइट सेम है, ए डी ई और बी डी ई का, देखो दोनों का साइड क्या है डी ई है, इनका क्या जब हाइट सेम होती है तो बेस का रेशियो आता है, तो क्या आता है यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी, क्या लिखोगे यहाँ पे रीजन, क्या लिखोगे, ट्रेंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ओके। तो ये आपका फर्स्ट टर्न होता है, सेकेंड में क्या है, क्या लिखोगे आप, दूसरा ट्रेंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा लो सी ई डी, क्या लोगे सी सी ई डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी हाइट सेम है तो रेशियो किसका आ जाएगा, बीस का आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखोगे आप ए ई बटे ई सी, इसका क्या लिखोगे, ये भी जो ट्रायंगल है इसकी भी क्या है हाइट सेम हो रही है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ओके। तो दो आपका डन होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी ये इक्वल हो रहा है
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CET के, ऐसा क्यों कॉल हो रहा है? बिकॉज जो ये ट्रायंगल है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट भी इनकी इक्वल हो रही है एंड बेस भी इक्वल हो रही है एंड बिटवीन बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल देखो हम जो ये जो ट्रेंगल है ना, ये वाला ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में कुल क्यों रहे, क्योंकि इनकी हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, देखो बेस भी सेम है और दो पैरल लाइन के बीच में है, तो अब इनकी हाइट दो एक पैरल लाइन के बीच में है तो हाइट तो सेम हो गई और बेस इनका सेम हो जाएगा, बी टी और सी डी, इसलिए आपस में दो ट्रेंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इक्वल। जैसे ही ये इक्वल होते हैं तो क्या मैं फोर्थ पॉइंट में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्या फोर्थ पॉइंट में ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ट्रेंगल ए डी ई है अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई है, ये आपस में इक्वल हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ई डी के, कहाँ से, फ्रॉम 3 से, इससे ना ये आपस में इक्वल हो गए, ये आपस में इक्वल, तो ऑब्वियसली ये आपस में इक्वल होंगे, तो जैसे ये लिखा आपने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए डी बटे डी बी दैट इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, तो ये आपस में इक्वल हो गए जो प्रूव करा था, इसे नाम पे कर दूंगा हेंस प्रूफ। ओके डन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपको इसे लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका हम लोग क्या, चलिएगा एक न्यूमेरिकल्स है आपके क्वेश्चन का, 10th का क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हुआ है और इसका सेंटर कुछ ऐसा है और फिर इसे इसको मिला दिया गया है कुछ ऐसे, ये इसका नाम दिया इसने डी, डी होगा, ई होगा, एफ होगा एंड ये पॉइंट क्या है एक्स, ये पॉइंट है पी, ये है पी क्यू आर और ये पॉइंट क्या है एक्स है। क्या पूछा है देखिए आपको, ये बोलता है इन एडजॉइंट फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ एंगल, इन इंटीरियर इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ ट्रेंगल पॉइंट एक्स इज द, पॉइंट जो एक्स है ना, पॉइंट एक्स इज द ज्वाइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रेंगल, जहाँ पे पी क्यू इज द पैरेलल टू डी ई है। क्या दिया इसने, को गिवन में क्या दिया, गिवन में क्या दिया इसने कि जो डी ई है ये पर डी ई जो लाइन है वो पैरेलल टू पी क्यू है, पैरेलल टू किसके, डी ई पैरेलल टू पी क्यू, मतलब पी क्यू पैरेलल टू डी क्यू है। देखो तो आ गया, आप देखोगे ट्रेंगल दिख रहा है आपको और ये पैरेलल हो गई इसके, हो जाती है पैरेलल, तो ऑब्वियसली बीवीडी के द्वारा हम कर ले सकते हैं क्या, सकते हो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन ई क्यू, लिख सकते, नहीं सकते, लिख सकते हो। ओके तो उसने क्या बोला है, तो सेगमेंट क्यू आर इक्वल सेगमेंट क्यू आर, क्यू आर ई एफ के हो जाएगा और पी आर किसके हो जाएगा, बी एफ के हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन से पूछा हुआ है क्या, कैसे इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात ऐसी ही है कि इससे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मुझे मिला डी ई इक्वल टू पी क्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखो यानी डी ई इक्वल टू पी क्यू है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स पी बटे पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, क्यू ई कैसे, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, ये तो पहला हुआ। ठीक है सेकेंड क्या हो जाता है जरा, क्या क्यू आर, क्या क्यू आर ये पैरेलल टू ई पी नहीं, ई एफ नहीं होगा, हाँ यदि होगा तो रेशियो कैसे लिखोगे, बताओ ये ट्रेंगल आपको ना ये ट्रेंगल बनेगा, ठीक है इस ट्रेंगल कैसे लिखोगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई दैट इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, आर एफ ये भी क्या रहेगा, इसे क्या लिखोगे फ्रॉम बी पी टी बेबिट के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा कौन सा इक्वल हो रहा है आर पी, तो बोलोगे आर पी, आर पी किसके पैरेलल हो रहा है, बी एफ के हो रहा है, तो जैसे आपने इसको लिखा आपने क्या लिख देना यहाँ पे, अभी वो ट्रेंगल ये बन रहा है, तो यहाँ पर लिखो एक्स आर अपॉन आर एफ दैट इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी, ऐसे लिख दोगे और फिर इसे इसे भी क्या लिखोगे फ्रॉम बी पी टी। देखो आसान क्वेश्चन और होगा, यदि कुछ न्यूमेरिकल गिवन होता तो इसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते थे। ओके डन, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या रहता है, एंगल बाइसेक्टर सेकंड थ्योरम जो हो पाएगा वो किस पर होगा, एंगल बाइसेक्टर का।
सेकंड क्या रहेगा, एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर, ठीक है। अब देखो एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि द बाई सेक्टर, जो बाई सेक्टर यहाँ पे है, जो द बाई सेक्टर है, द बाई सेक्टर, द बाई सेक्टर ऑफ एन ट्रेंगल, ऑफ एन एंगल, ऑफ ट्रेंगल, ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रेंगल, बाइसेक्ट क्या करता है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल बाइस डिवाइड बोला तो बाइसेक्ट करो, डिवाइड कर लिखो, खाली हो गए, ये क्या करता है, डिवाइड्स डिवाइड्स द साइड, डिवाइड्स द साइड किसके, और जो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एंगल के अपोजिट, टू द अपोजिट टू द एंगल इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, ऑफ द रिमेनिंग साइड, ठीक है। ऐसा देखो गाइस क्या हो जाएगा, यदि कोई एक ट्रेंगल है तो एंगल बाय सेक्टर में अगर ड्रॉ करो, तो एंगल बाय सेक्टर यदि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये रहा, तो ये जो लाइन ना, ये एंगल्स आपको सिखाया था बीजेपी, ए बी सी, इसको नाम तो मुझे डी दो, तो जो एंगल ए को फॉर्म कर रही, ए बी और ए सी एंगल ए को बना रही है, इनका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में ए डी बी सी को डिवाइड करता है, ये एंगल बाय सेक्टर का थ्योरम है। आप इसे सॉल्व करेंगे पहले, तो वो गिवन क्या है आपको, मतलब कि गिवन क्या रहेगा, आपको गिवन दिया है आपको यहाँ पे इन ट्रेंगल ए, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी ए डी एच बाइसेक्टर, ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ओके, एडिंग बाइसेक्टर है। आपको फिर यहाँ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इज इक्वल टू ए बी बटे ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी बटे डी सी, ये आपको प्रूव करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जैसा हम पहले कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहे हैं ना कि जो ये ए डी ए बी है इस थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, थोड़ा आगे बढ़ाना है आपको ऐसे, और जो ए डी है, ए डी की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ए डी की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो जरा, मैं इसको ए तो नाम था, इसका नाम था ए, इसको नाम मैं क्या देता हूँ, ई पॉइंट दिया, क्या दिया था, ई देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया था जरा, हमने पॉइंट ए को, ए पॉइंट, पॉइंट ए एक्सटेंडेड, हमने क्या इसको किया, एक्सटेंड किया एट ई एंड पैरेलल एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, हमने ये ड्रॉ करा, ठीक है। अब सीधा क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ये डबल ओके, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, हमने इसको कर लिया। अब देखते जाओ, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या रहेगा आपका रीजन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो आप, अच्छे देखो, जो हम अभी क्या करेंगे, ए डी इज पैरल किसके हो रहा है, सी ई के पैरल हो गया, दो पैरल लाइंस हैं और उसके बीच में क्या आ रही है, ए सी क्या हो रही है, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, तो इसी बेस पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता है। देखो क्या आप बोलोगे क्या कि एंगल की ट्रेंगल, ट्रेंगल आपका मैं अभी कौन सा ट्रेंगल था, देखो ए डी सी में, ट्रेंगल ए डी सी में, ए डी सी ट्रेंगल ए डी सी में, ओके, ओके गाइस, तो नाउ वी विल फटाफट लिखते हैं, क्या आपको दिख रहा है, क्या ये बी ए डी एंगल, बी ए डी ये इक्वल हो रहा है, ये इक्वल होगा इसके, बी ए डी इक्वल टू क्या, सी ए डी होगा क्या, एंगल सी ए डी, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि तो देखो ये एंगल बाय सेक्टर है ना, तो एक ये एंगल को दो इक्वल बाय डिवाइड करता है, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाय सेक्टर, किसका, एंगल बाय सेक्टर, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे बोलूँगा सेकंड जो पॉइंट है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि बी ए डी एंगल बी ए डी ये इक्वल टू हो रहा है कहीं ना कहीं एंगल ए ई सी के, एंगल ए ए ई सी के, एंगल ए ई सी के, क्यों, क्योंकि क्या होता है, करस्पॉन्डिंग
करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम कैसे देखो गाइस क्या होता है कि देखो जब भी कोई दो पैरल लाइंस है उस पर एक कोई ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये वाला लाइंस आपस में इक्वल होता है ना, तो देखो वहीं पे हो रहा है। ये देखो ये आपस में ये पैरल लाइन है, दो पैरल लाइंस है, तो ये वाला बना हुआ एंगल ये वाला बना हुआ एंगल सेम हो जाएगा। ऐसे करो 1 2 3 4, हमेशा 1 इक्वल टू 3 होता है। यहाँ पे 1 है 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो 1 इक्वल टू 3 होगा ना। हाँ तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 3 हो जाता है, किसके कारण? करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हुआ, इक्वल हो चुका है। और चीज़ देखो ज़रा क्या इसी कारण है, इसको हल सकता हो गया। और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डी ए सी एंगल, डी ए सी या देखो हमें डी ए सी ये इक्वल टू क्या एंगल ए सी ई होगा, क्या ए सी ई होगा, क्यों? अल्टरनेट क्या बन रहा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है पे, अल्टरनेट अल्टरनेट थ्योरम, अल्टरनेट थ्योरम से अभी से प्रूव करते हो कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। और जैसे आपने इस एंगल को इक्वल बोला है, देखो अभी आपने बोला ये एंगल ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है। अभी बोला आपने कि ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट से ना, तो ये वाला एंगल क्या क्या ये एंगल वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्या? यहाँ देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए ई सी बराबर किसके है, बी ए डी के, और बी ए डी भी किसके बराबर है, सी ए डी के ना, सी ए डी के। तो इसी से मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जब एंगल्स हमेशा सामने एक हो जाए, यदि एंगल सी बराबर एंगल ई है ना, तो देखो इसके सामने की जो साइड है ना वो भी हमेशा इक्वल होती है, आइसोसेलेस्ट एंगल ऐसा बोलते हैं। दो एंगल सेम हो गई तो दूसरी साइड भी क्या होती है, सेम। तो इसलिए मैं आप लिखूँगा कि ए सी ई जो है ए सी ई है, तो इसीलिए एंगल ए सी ई ये भी इक्वल होगा इसके ए ई सी के, एंगल ए ई सी के कैसे फ्रॉम थर्ड। तो फोर्थ फिफ्थ में क्या लिख दिया जाएगा कि एंगल इसीलिए, यहाँ पर लिख दो इसीलिए कि ए सी के सामने क्या है, ए ई ए ई ये साइड भी हमेशा क्या होता है एंगल के सामने साइड सेम एंगल सेम साइड होती है। तो इस ए के सामने क्या है, ए ई हमेशा इक्वल होगा ई के सामने क्या है, ए सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि एंगल ई, और फिफ्थ में सीधा मैं लिखूंगा क्या इंट्रेंगल इंट्रेंगल बी ए सॉरी बी बी सी ई में, तो बी ए सी कर लो आप, इंट्रेंगल बी ई सी इंट्रेंगल बी ई सी में मैं क्या लगाऊंगा बी बी टी, देखो ये लाइन कैसे पैरेलल होगी ना, ये पैरेलल से, तो बी ई बी ई सी में यदि बी बी टी लगाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको, बी बी टी क्या बोलता है कि बी ए अपॉन ए ई इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। तो मैं आपसे ले दूंगा कि या तो ए बी ले दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी ए अपॉन ए ई दैट इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, देख सकता हूँ क्या? हाँ कहाँ से, फ्रॉम बी पी टी थ्योरम द्वारा पीछे ने प्रूव किया था। पढ़ के ध्यान दो, आपको यहाँ पे इसने क्या बोला है ए बी अपॉन ए सी चाहिए ना, तो ए की जगह क्या चाहिए, ए सी। और जस्ट देखो आप यहाँ पे भी प्रूव कर चुके हो फोर्थ में कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी ले सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, कहाँ से, फ्रॉम फोर्थ फ्रॉम फोर्थ, ओके। तो यहाँ पे हो गया आ गया इक्वल, इसमें क्या लिखना पे हेंस, ओके गाइस मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा। तो फिर इसके बेस पे क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे हम सॉल्व करते हैं।